हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ। तो आज का टॉपिक बहुत ही छोटा है, इसके बारे में मैं आपको ये बताती हूँ कि 167 सालों में पहली बार इंडियन रेलवे की सारी ट्रेनें जो थी वो टाइम पर पहुंची हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1 जुलाई 2020 को जितनी भी ट्रेनें चलाई जा रही थी, कितनी ट्रेनें, 201 पैसेंजर ट्रेनें उस टाइम चलाई जा रही थी। कब? 1 जुलाई 2020 को। उस दिन 201 ट्रेन, आप याद रखिएगा ये कि यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनें हैं, ठीक है, पैसेंजर ट्रेनों को ही इंक्लूड किया गया है। 201 पैसेंजर ट्रेन पूरे देश में चलाई जा रही थी और ये अपने तय समय के मुताबिक स्टेशन पर पहुँच गई। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक। अब इसमें सेकंड पॉइंट में ये लिखा है, हालांकि ये रिकॉर्ड तब बनाया गया जब 12,000 ट्रेनों में से 2% से भी कम पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा रही थी। मतलब हमारे यहाँ टोटल 12,000 ट्रेनें जो हैं उसमें से केवल 2% से भी कम पैसेंजर ट्रेन जब चलाई जा रही थी, 2% से भी कम मतलब 201 पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही थी, तब ये एग्जैक्ट टाइम पर पहुँची हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट तो ये है कि 167 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन रेलवे ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है कि समय, बिल्कुल समय पर, जो उनका समय था उस समय के मुताबिक वो स्टेशन पर पहुँचे। तो ये हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और डेट ज़रूर याद रखिएगा, 1 जुलाई 2020 को। सो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।